नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखे एनडीए के सामने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी द्वारा दिए गए इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि उसकी सहयोगी पार्टियां भी पूरा जोर लगाकर चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियां मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहती है और इसके लिए अपना पूरा दमखम लगाती दिख रही है। इसी लोकसभा चुनावों में देखिए दक्षिण के राज्यों की सीटें काफी अहम हो गई हैं। विपक्ष यहां से सत्ता की चाबी तलाश रहा है और मोदी यहां से 400 पार के नारे को साकार करने की कोशिश में है, और इसी के चलते तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव बड़ी टेंशन में दिख रहे हैं। जी हाँ, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार चुके केसीआर मोदी को रोकने के लिए अब देखिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। दक्षिण भारत में देखिए मोदी का दरवाजा बंद करने के लिए केसीआर इन दिनों अपनी पार्टी ऑफिस के मेन गेट को तुड़वा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर केसीआर को ये बताया गया है कि उनके पार्टी ऑफिस के मेन गेट की वजह से उनका बुरा वक्त चल रहा है और जिस कारण उन पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। दरअसल केसीआर के लिए पिछले कुछ वक्त से कुछ भी अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा है। वो तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार कर सत्ता से बाहर हो गए हैं और इसके अगले ही दिन उनकी तबीयत ऐसी खराब हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और अब देखिए उनकी बेटी के कविता जेल की हवा काट रही है। अब एक साथ देखिए इतनी मुसीबत आई तो केसीआर ने ज्योतिषों, तांत्रिकों, वास्तु एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुला ली और अपनी परेशानियों को दूर करने का उपाय पूछा, जिसमें उन्हें पार्टी का मेन गेट तोड़ने की सलाह दी गई, और केसीआर ऐसा कर भी रहे हैं। जी हाँ, वैसे पहला मौका बिल्कुल नहीं है जब केसीआर तांत्रिकों की सलाह मांगने के लेकर चर्चा में आए हो, जब इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हो। आपको बता दूं कि के चंद्रशेखर राव का पूजा पाठ और ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा यकीन है, विश्वास है, और कई बार वो विश्वास और अंधविश्वास की सीमा को भी पार कर जाते हैं। काफी पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा इसका खुलासा भी किया था कि केसीआर के ऊपर एक तांत्रिक का तो बहुत ज्यादा प्रभाव है। कहा तो ये भी जाता है कि इसी तांत्रिक के कहने पर वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाते थे, और बाद में 350 करोड़ की लागत से उन्होंने नए ऑफिस का निर्माण भी करवाया। तेलंगाना की जनता भी इस बारे में बात करती है कि केसीआर बिना धार्मिक गुरु, तांत्रिकों और ज्योतिष से सलाह के कोई भी काम नहीं करते। जब वो मुख्यमंत्री थे और किसी नई योजना की शुरुआत करते तब उनकी धार्मिक तस्वीरें सुर्खियां बटोरियां करती थी। केसीआर देखिए इतने ज्यादा अंधविश्वासी हैं कि जब वो पहली बार सीएम बने तब उन्होंने अपने गुरु श्री चिंतन स्वामी जी को पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया और फिर उसके बाद उस कुर्सी पर वो खुद बैठे। जैसे ये लोकसभा चुनाव केसीआर और उनकी पार्टी बीआरएस के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह हारने के बाद केसीआर को लोकसभा चुनाव में भी हारने का डर अभी से सता रहा है। तेलंगाना में देखिए कांग्रेस की सत्ता आने के बाद बीजेपी भी अपना प्रभाव बढ़ा रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर पहले बीआरएस का दबदबा होता था, लेकिन इस बार राज्य की सियासी हवा पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। सर्वे ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस के लिए 2 सीटें जीतने भी मुश्किल हो रहे हैं, और ऐसे में केसीआर एक बार फिर ज्योतिषों और तांत्रिकों की शरण में है। अब देखिए केसीआर जब सीएम थे तब अक्सर पूजा पाठ करते नजर आते थे, उनके पूजा पाठ के कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे और बोझ जनता के कंधों पर जाता था, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। और अब देखना होगा कि पार्टी ऑफिस का गेट तुड़वाना लोकसभा चुनाव में केसीआर का कितना काम करेगा, उसे जीत दिलाने में कितना काम कर पाएगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा, और इसी के साथ साथ ये भी बताएगा कि केसीआर जो जादू टोना तंत्र मंत्र की दुनिया में जो फंस गए हैं, क्या वो तंत्र मंत्र के सहारे पीएम मोदी के खिलते कमल को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे। कमेंट करके बताइएगा जरूर।